अचानक की बारिश है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बस यही बोलूंगी कि प्रे करो हिमाचल के लिए, और अब कुछ भी गलत ना हो यहाँ पे। बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, चाहे हम डेवलपमेंट का नाम दें कि डेवलपमेंट की वजह से ये सब हो रहा है या हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से हो रहा है, पर फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी जल्दी और बारिश रुक जाए, अब और बारिश ना हो। बहुत लॉस हो चुका है हिमाचल में ऑलरेडी। क्यों शुभ? सब में जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है उसके लिए हम फोन रखेंगे 2 मिनट में सारे। और बात ऐसी है कि अब जो भी है, चलो काम तो होना ही है, रोड भी बनाना जरूरी है क्योंकि जैसे ट्रैफिक हो रही है उसकी वजह से सरकार को भी नहीं कह सकते रोड तो बनाना जरूरी है, पर जितना हो सके उतना कम से कम डिफोरेस्टेशन करें, जितना कम से कम हो सके उतना काम करें, पर जो जितना करना चाहिए उतना तो हो गई, ये तो हमें भी समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। मौसम का हाल दिखाएंगे अभी, बहुत बारिश है गाइस, और ये देखो नाले कैसे भरे पड़े हैं, ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे आपको और दिखाते हैं, पेशेंट्स देखने जा रहे हैं तो रास्ते में जैसा भी होगा वो दिखाते हैं आपको। देखो हम आए इतनी बारिश में और हमारे 2 पेशेंट्स अपॉइंटमेंट कैंसिल कर चुके हैं, तो एक पेशेंट ने बोला है 5 मिनट तक बताएंगे, तो हम पेशेंट का वेट कर रहे हैं। देखो कि पेशेंट बताएगा और फिर हम या तो अगले वाले पेशेंट का टाइम चेंज करेंगे, अगर टाइम चेंज नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा तो हमें बैठना पड़ेगा ऐसे ही, या फिर हम क्लिनिक में ऊपर बैठेंगे, क्या करेंगे। अभी हम जा रहे सीधा पेशेंट लेने जा रहे। हाँ, क्योंकि पिछले पेशेंट का 5 मिनट में फोन आना था, वो फोन नहीं आया। देखो यार हम आ सकते हैं, डॉक्टर आ सकते हैं तुम्हें देखने बारिश में जैसे मर्जी, तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? सेफ रहना तो जरूरी है ऑब्वियसली, इसलिए चलो ये वाली चीज एक्सेप्टेबल है, पर टाइम तो हमारा ही वेस्ट हो रहा है। शुभ, इज द पेशेंट कमिंग? पेशेंट आ रहे हैं, तो हम आ गए क्लिनिक में, देखते हैं। शुभ अपने रिकॉर्ड्स लिख रहा है, अपना काम बखूबी निभा रहा है। गाइस तो क्लिनिक में देख लिया फाइनली पेशेंट, और रेन भी हो गई है थोड़ी कम। अब जा रहे हैं ऊपर मैक्लोडगंज, आपको दिखाती हूँ रास्ता। आई होप सब ठीक हो, रास्ते में सेफली पहुंच जाए हम। रोज का काम है वैसे तो, फिर भी भगवान सब ठीक रखे। अच्छा रहा है। अब आए हैं यहाँ का, हमें डोसा बहुत
पसंद है, तो हम खाएंगे डोसा। अब इधर को आओ। पेशेंट खत्म हो गए हैं 9 बजे। अब पेशेंट खत्म हो गए, हम जा रहे हैं घर। मम्मी भी आ गई लुधियाने, तो उन्होंने मिलेंगे ताकि देखते हैं। गाड़ी ऊपर लगा के जानी पड़ेगी, भैया ने गाड़ी घर में लगाई। ओहो, लेके जाना पड़ेगा छाते रख के पीछे। और कितने बज रहे हैं? अब बज रहे हैं 9। आज तो बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि कल करना है कम काम। तो बहुत कम पेशेंट है, ओनली 2-3 होंगे। वो खुद रखे गए हैं क्योंकि कल है इंडिया पाकिस्तान का मैच। हाँ, कल वैसे हम आपके रखे। कितने बजे है मैच? पता नहीं, देखना पड़ेगा टाइमिंग क्या। पता नहीं, 10 बजे शुरू हुआ तो सुबह 6 बजे भी देखना शुरू कर देंगे। ये मैच तो छोड़ता नहीं है, और इंडिया पाकिस्तान है तो अब मुझे भी आदत हो गई है, तो मुझे भी देखना है। गाइस, बारिश तो अभी तक नहीं रुकी है यार। हिमाचल की सेफ्टी अब भगवान के हाथों में ही है। देखो तो